वेलकम टू द ब्रेनी ऑल चैनल। आज हम करेंगे कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जो कि कुछ एडवांस लेवल के होंगे। तो जो हमने टाइप आज करनी है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस की होगी जिसमें हमें अमाउंट्स दिए होंगे और उनका टाइम पीरियड दिया होगा, रेट नहीं दिया होगा। यूजुअली हमें प्रिंसिपल फाइंड करना होता है या कोई और अमाउंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कंसेप्ट जो यूज़ करेंगे वो होगा कि जो अमाउंट्स होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो हमें समझना है बेसिक से। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें अगर हम फर्स्ट टर्म को ए अज्यूम करें तो सेकेंड टर्म ए आर होएगी, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होएगी, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब होएगी एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है उसमें हो क्या रहा है कि ए जो फर्स्ट टर्म है उसमें हम एक वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं विच इज़ आर। ये सेकेंड टर्म आ गई, सेकेंड टर्म में भी हम आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे थर्ड टर्म आ रही है, थर्ड टर्म में अगर हम आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फोर्थ टर्म आ रही है एंड सो ऑन। तो एक ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम एक टर्म को एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आ रही हैं। इसका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम। लेट सपोज 2 जो है फर्स्ट टर्म है और इसमें आर की वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, 18 इंटू 3 54 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। तो अब इस केस में जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करने हैं तो इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस तरीके से बन रहा है वो हमें समझना है। तो चलिए देखते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट का फॉर्मूला तो हमें पता है, बट मैं क्या कर रहा हूँ अमाउंट का फॉर्मूले में पहले अमाउंट का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू पी, पी इज द प्रिंसिपल, 1 + r, r इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेज़ टू पावर टी। तो यहाँ पे अगर हम ए को ज़ीरो लें यानी कि टाइम को ज़ीरो लेके देखें तो ज़ीरोथ ईयर के लिए अमाउंट कितना होता है पी 1 + r/100 रेज़ टू पावर ज़ीरो विच इज़ पी इटसेल्फ, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर ज़ीरो इज़ 1, तो पी इंटू 1 विल बी पी। ए 1 कितना होगा पी 1 + r/100 रेज़ टू पावर 1। ए 2 कितना होगा पी 1 + r/100 रेज़ टू पावर 2 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी दो टर्म्स को अगर हम डिवाइड करें, कोई भी दो टर्म्स को अगर हम डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल हम डिवाइड करते हैं इसको और इसको, तो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पी से पी कट हो जाएगा, बच जाएगा 1 + r/100। सिमिलरली इसको और इसको अगर हम डिवाइड करें तो पी से पी कट हो जाएगा और 1 + r/100 का एक टर्म कट हो जाएगी, बच जाएगा 1 + r/100। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉमन रेशियो आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो हमेशा होगा ये वाला फैक्टर, दिस विल बी द कॉमन रेशियो। कोई भी टू इयर्स में अगर हम उनके अमाउंट्स का रेशियो कैलकुलेट करें तो वो हमेशा ये वैल्यू आएगी। तो अब हमने इस पूरे कंसेप्ट को यूज़ कैसे करना है उसको हम समझ लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि रेशियो ऑफ टू गिवन इमीडिएट टर्म्स विल ऑलवेज बी इक्वल इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी दो टर्म्स का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इसको इस ऑर्डर में लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए 0 अपॉन ए 1 इज इक्वल टू ए 1 अपॉन ए 2।
तो A0 यहाँ पे P है। सिमिलरली अगर हमारे पास अमाउंट गिवन है 2 ईयर्स का, 4 ईयर्स का, तो हम क्या करते हैं उसमें, अगेन हम ये प्रिंसिपल है उसमें हम इस तरह का रेशो ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 ईयर्स के गैप में दिए हुए अमाउंट्स, तो उसमें हम सेम चीज़ कर सकते हैं, A0 विल बी प्रिंसिपल। एंड सो ऑन, हम इक्वल गैप में इस तरह से रेशियोज ले सकते हैं क्योंकि इक्वल गैप में कॉमन रेशियो सेम रहेगा कोई भी दो इमीडिएट टर्म्स का। इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज कर रहे हैं वो हम अभी समझते हैं, लेकिन आप तब तक के लिए ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं ये याद कर लेना। इस तरह से हम फर्दर भी फॉर्मूलाज खुद ही बना सकते हैं, हमें बस ये देखना है कि जो गैप है यहाँ पे 3 ईयर्स का है, यहाँ पे 2 ईयर्स का है, यहाँ पे 1 ईयर का है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू ₹650 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड ₹676 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो हमें व्हाट सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है जिसमें हमें अमाउंट दिया हुआ है 1 ईयर के बाद का 650 और 2 ईयर्स के बाद का 676। तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होगा A0 को मैं P लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल 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 अपॉन A1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। ये सिंपल फॉर्मूला हमने यूज करना है इन सभी क्वेश्चंस में। प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है तो वो अननोन है, यहाँ पे आएगा फर्स्ट ईयर के बाद का अमाउंट, यहाँ पे ये फिर से आएगा फर्स्ट ईयर का अमाउंट और नीचे आएगा 2 ईयर्स का अमाउंट। अब सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट बच जाता है जिसमें हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 650 इंटू 650 अपॉन 676। अब बस कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। कैलकुलेशन इसको हम 13 से कट कर सकते हैं, ये 13 फाइव्स आ रहा आएगा और ज़ीरो, 13 फाइव्स आर 65 और 26 बच जाएगा तो 13 टूज आर। इसको हम एक बार 2 से कर सकते हैं, इसको फिर 13 से कर सकते हैं, 13 2s are 13 5s are और ये लास्ट में 2 से अगर हम कट कर देते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन बच जाती है 25 into 25 विच इज़ ₹625। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो हमारे पास सी ऑप्शन में ये गिवन है तो आंसर विल बी ₹625। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल बना सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पे 1 ईयर का गैप था डिफरेंट वैल्यूज में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कितने ईयर्स का गैप है चेक कर लेते हैं। अ सम बिकम्स ₹4500 आफ्टर 2 ईयर्स एंड ₹6750 आफ्टर 4 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट द सम इज। अगेन हमने प्रिंसिपल ही कैलकुलेट करना है और इसमें हमें अमाउंट दिया है 2 ईयर्स का और 4 ईयर्स का। तो एक चीज सर्टेन है कि इन क्वेश्चंस में हमें गैप इक्वल ही दिया होता है तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। पी अपॉन 4500 इज इक्वल टू 4500 अपॉन 6750। कैलकुलेशन सिमिलर है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और अब इस कैलकुलेशन को हम कर लेंगे। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप इजीली कट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली आंसर पे आ रहा हूँ, आंसर इसका आ जाएगा ₹3000 यानी कि सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन था 2 ईयर्स के गैप वाला जिसमें हमने सिमिलर इक्वेशन बना के उसको सॉल्व किया है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 6690 इन 3 ईयर्स एंड रुपीज 10035 इन 6 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, द सम इज। अगेन हमें इसमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है और अब गैप दिया है 3 ईयर्स का, तो प्रिंसिपल ये 0 ईयर्स का अमाउंट अपॉन 3 ईयर्स का अमाउंट इज इक्वल टू 3 ईयर्स का अमाउंट अपॉन 6 ईयर्स का अमाउंट। पी हमने कैलकुलेट करना है, 3 ईयर्स का अमाउंट यहाँ पे पुट कर देते हैं, अगेन 3 ईयर्स का अमाउंट और यहाँ पे 6 ईयर्स का अमाउंट। कैलकुलेशन इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको कट करते जाना और ये पूरा कंप्लीट कट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 4460 रुपीस, विच मीन्स दिस ऑप्शन। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करवा रहा हूँ आपको, अभी अब तक हमने क्वेश्चंस किए जिसमें हमने प्रिंसिपल निकालना था, कभी मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है इसमें हमें अमाउंट निकालना होगा इतने ही गैप के बाद का, यानी कि 9 ईयर्स के बाद का अमाउंट निकालना होगा, तो हम इक्वेशन ये बनाएंगे A3 upon A6 = A6 upon A9। तो ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है और ये हमने कैलकुलेट करना है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह के किसी भी क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।